पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में वाक़ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे कदीम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पूरे पाकिस्तान में कई कैंपस हैं, जिसमें गुजरांवाला कैंपस, जेहलम, खानसपुर और लाहौर शामिल हैं। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के दो कैंपस अलामा इकबाल और कायद आज़म कैंपस हैं, और ये कायद आज़म कैंपस है जो केनाल रोड पर वाक़ है। कायद आज़म कैंपस को 1958 में तामीर किया गया और ये तकरीबन 1800 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इसे मेन कैंपस भी कहा जाता है। इसका नाम बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया। यूनिवर्सिटी में 45,678 तलबा और 19 फैकल्टीज हैं। कैंपस यूनिवर्सिटी की तालीमी और इंतजामी सरगर्मियों का मरकज है। पंजाब यूनिवर्सिटी साल 2024 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में बैनुल अक़वामी सतह पर 750 और कौमी सतह पर दूसरे नंबर पर है। इस कैंपस में एकेडमिक ब्लॉक्स, तलबा के हॉस्टल्स, अमले की रहाइश गाहें, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, बोट क्लब और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। कैंपस में तदरीसी और रिसर्च की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सहूलियात में बतदरीज इजाफा हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे लाहौर में तुलबा और इसके मुलाजमीन के लिए इंतहाई रियायती शरह पर ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्राहम करती है। कायद आज़म कैंपस से अलामा इकबाल कैंपस तक शटल बस सर्विस भी चलाई गई है। तुलबा को बैरूनी सरगर्मियों, सैरो तफरी, पिकनिक, मुतालिया और फील्ड टूर वगैरह के लिए ट्रांसपोर्ट भी फ्राहम की जाती है। इस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी के पास कुल 55 बसें हैं। उन्नीस सौ 24 में कायम किया गया बॉटनी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने डिपार्टमेंट में से एक है, जिसे मौजूदा इमारत से पहले मुख्तलिफ इमारतों में रखा गया था। इस इंस्टीट्यूट के पास 10 रिसर्च लेबॉर्टरीज हैं, तहकीकी तजुर्बात के लिए एक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लेबॉर्टरी, सीड सेंटर, बोटैनिकल गार्डन, ग्रीन हाउस और मौसमियाती कमरे हैं।
ये बोटेनिकल गार्डन न सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के तलबा को भी रिसर्च की सहूलियात फ्राहम करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मुतअद्दिद कैफेटेरिया और खोखे हैं, जहां कैंपस के तलबा और अमले को मुख्तलिफ किस्म के खाने, मशरूबात और फल मुनासिब कीमतों पर दिए जाते हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर फोटोकॉपी की सहूलत भी मौजूद है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1006 फुल टाइम और 300 पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं। अलामा इकबाल कैंपस, जिसे ओल्ड कैंपस भी कहा जाता है, माल रोड पर लाहौर म्यूजियम के सामने वाक़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी बाज़ाब्ता तौर पर 14 अक्टूबर 1882 को शिमला में सेनेट के पहले इजलास के इनकाद में कायम हुई। ये यूनिवर्सिटी 1857 की जंगे आज़ादी के बाद पंजाब के लोगों की एक तवील जिदोजहद के नतीजे में वजूद में आई। प्रोफेसर अल्फ्रेड बोलनर, जो 1928 से 1936 के दौरान इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, ने इस सदी की इब्तदाई दहाइयों के दौरान इसकी तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। इनका मुजस्मा आज भी यूनिवर्सिटी के अलामा इकबाल कैंपस के सामने खड़ा है। तारीखी सेनेट हॉल, सिंडिकेट रूम और मेन हॉल अलामा इकबाल कैंपस में वाक़ है। सेनेट, सिंडिकेट, सिलेक्शन बोर्ड और एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड के इजलास आमतौर पर यहाँ मुनक्किद होते हैं। कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फाइन आर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और ओरिएंटल कॉलेज अब भी अलामा इकबाल कैंपस में मौजूद हैं। हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के 5वें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के तौर पर कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह 23 मार्च 2006 को लेफ्टिनेंट जनरल खालिद महमूद ने किया था। ये इमारत सर गंगाराम ने अतिया की थी।